लाभदार बीज परत नाही का सांगतो वसई लाभदार बीज इस समय हमारे साथ मौजूद अप्पा और अप्पा ने ऐलान कर दिया है। अब जो लोगों का एक कहना था कि अप्पा चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, तो अप्पा ने ऐलान कर दिया। जाहिर सभा थी आज क्लब वन में, यहाँ पर ऐलान किया। अभी बात करते पास है, अप्पा आप ऐलान कर चुके हैं कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आभार। थैंक यू अप्पा। पिछली बार आपने चुनाव होने के बाद ऐलान किया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन फिर से आप चुनाव लड़ने का, कार्यकर्ताओं का और नेताओं का आग्रह कि आपने खड़ा रहना चाहिए। हम अगर जिले में सब सीट लड़ते हैं, जिले के बाहर लड़ रहे, तो उस वक्त आप अध्यक्ष है तो आपने भी लड़ना चाहिए, और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अपा आपने इस बार ये भी ठहराया कि 6 की 6 सीट पालघर की, इस पर आप अपने प्रत्याशी उतारने वाले हैं। पिछले लोकसभा का अनुभव देखा जाए तो भोजनगा सागरी 6 की 6 जगह पर तीसरे पायदान पर थी, तो चुनौतियाँ कितनी बड़ी है? लोकसभा अलग रहता है, लोकसभा का गलत प्रचार भी हम फटका का है। अभी उतने से हमने एक्सपीरियंस सीख लिया है, लास्ट 4 महीने में सब सीट लाएंगे। तो पहली लिस्ट जारी हो गई जिसमें आपका नाम आ गया? पहली लिस्ट नहीं, वो एक मजाक रहता है, हम सब जो है वो खड़े रहने वाले। बाकी प्रत्याशी की कब तक? मैं करता हूँ, वो अभी डिस्कस करके करता हूँ। अरे वो कार्यकर्ता बोले, उनको रिस्पॉन्स हमारे सब नेता, सभी नेता वो भी बोले कि हर जगह पे इम्पैक्ट गिराना है, पूरे पालघर जिले पे इम्पैक्ट गिराना है। चुपारा में क्षितिज ठाकुर का काम है, बोईसर में राजेश पाटिल का काम है, लेकिन दूसरे जगह पे भी अगर इम्पैक्ट गिराना है तो आप रहो। इधर कार्यकर्ताओं ने आग्रह करा और भी खड़े कार्यकर्ताओं का मान रखना ही पड़ता है। अरे वो सब कुछ डिक्लेयर करने की जरूरी नहीं होता है, कुछ समझने की जरूरी होती है, समझ लो। अब सामने वो सरकार है, वो केंद्र में है, राज्य में है, महायुति पूरी तरह मैदान पे उतरी, और आप कैसे उनका सामना करेंगे, कैसे उनसे लड़ेंगे? अरे आज तक 90 से सामना करते ही आया हूँ, इससे भी प्रतिकूल पोजीशन थी, इससे भी वर्स्ट पोजीशन थी, उस वक्त भी हम चुन के आए थे, तो वो डरने की जरूरी नहीं। नाना आपके साथ है कि नहीं? अरे तो मेरा भाषण सुना ही नहीं आपने, मैंने उसी वक्त बोला, पूरा भाषण तो सुनो यार। लोकसभा में 6 की 6 विधानसभा में हर पोजीशन पर बहुत होता है ना, अलग अलग झूठ गलत प्रचार करना बराबर है। ये जो उम्मीदवार थे वो खुद का प्रचार कम हमारा ज्यादा कर रहे थे, इसको वोट बोले तो उसको वोट, इसको वोट उसको वोट, ये जो गलत किया। मर्दों जैसे लड़ने वाले कितने हैं सामने, मर्दों जैसे लड़े तो अच्छा है। लोकसभा चुनाव में कई सारे वीडियो वायरल हुए, पैसे बांटना और तमाम तरह की चीज सामने आई, उस पर किस तरह? अभी पैसे के ऊपर कोई जाता होगा तो उसको मैं क्या बोलूं? तैयारी है कि उन सब चीजों पर नजर रखी जाएगी? अभी सब रखेंगे ना नजर, कार्यकर्ता भी है हमारे जोर में, देखेंगे। यार निवडणूक दहशतवाद गुंडगिरी दरवर्षी
जे मुद्दे विरोधक टाकतात त्यांच्याकडे दुसरे मुद्दे नसतात, त्याच्यामुळे त्याच्यावर आता मी बोलण्यात काय अर्थ नाही। तो आपने सुना आपा काफी व्यस्त है, कई लोग आपा का इस समय इंटरव्यू कर रहे हैं और आपा काफी व्यस्त है। आपने सुना आपा ने क्या कुछ कहा। आपा यहाँ आज की सभा काफी बड़ा मेलावा था, इस मेलावा में आपा ने जाहिर तौर पर ये जाहिर किया कि आपा ही चुनाव लड़ने वाले हैं। हितेंद्र ठाकुर ही रसोई से विधानसभा प्रत्याशी है। हालांकि बहुजन विकास आघाड़ी ने यह भी नक्की किया है कि इस बार 6 के 6 विधानसभा पालघर जिले की है, वहां पर बहुजन विकास आघाड़ी अपने कैंडिडेट उतारने वाली है। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो चुनाव है बहुजन विकास आघाड़ी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि बहुजन विकास आघाड़ी के 3 आमदार जो पहले हर बार लड़ते रहे थे उससे बढ़कर बहुजन विकास आघाड़ी इस बार सीधे 3 से 6 पर कर रही है। तो बहुजन विकास आघाड़ी अपनी ताकत पूरी झोंकेगी, ये हमें अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है। अपा ने यहाँ आज मीटिंग ली, मीटिंग में कितने लोग और कितनी गर्मजोशी से यहाँ हाजिर हुए, उन्होंने किस तरह से वो आप फुटेज में देख सकते हैं। काफी लोग ये मांग कर रहे थे कि अपा ही इस चुनाव में प्रत्याशी हो वसई से, और उसी का मान रखते हुए हितेंद्र ठाकुर ने खुद के प्रत्याशी होने की घोषणा की है। तो अब ये चुनाव जो है काफी रोमांचक होने वाला है, ऐसा हम कह सकते हैं। आपको बता दें कि वसई से, जैसा हमने कल की खबर में भी बताया था, वसई से बहुजन विकास आघाड़ी अपा ने जाहिर किया है अपा रहेंगे। कांग्रेस की तरफ से माल विकास आघाड़ी के कैंडिडेट विजय पाटिल का नाम चल रहा है कि वो कैंडिडेट हो सकते हैं, और महायुति की ओर से अभी कोई कैंडिडेट जाहिर नहीं हुआ है। वहीं नालासोपारा की बात करें तो नालासोपारा से जिस तरह से उम्मीद है बहुजन विकास आघाड़ी सतीश ठाकुर जो आमदार है सिटिंग आमदार उनको उतारेगी, तो वही यहाँ एक महत्व की बात है कि महायुति ने नालासोपारा से राजेंद्र नाईक की उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है। और महाविकास आघाड़ी की तरफ से पंकज देशमुख का नाम आ गया है, जो हमने कल भी आपको बताया था। तो आने वाले दिनों में पूरे एक महीने का, आज से, आज 20 तारीख है और 20 तारीख से 20 तारीख एक महीने का पीरियड है, तब ये पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया है, इस पर नजर बनी रहेगी हमारी। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, वसई विरार से इस वक्त। मेरे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।